हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग 127-80 हजरत निजामुद्दीन से वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस के बारे में जानने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बात करें इसमें डिब्बों की, तो इसमें कुल 11 स्लीपर के डिब्बे होते हैं, 3 जनरल के, 2 मिलिट्री के डिब्बे होते हैं। दोस्तों, बात करें इसकी टोटल दूरी की, तो 2168 किलोमीटर की दूरी ये 30 स्टेशनों पर रुकते हुए 39 hours 30 minutes में करती है। इस दौरान इसकी एवरेज स्पीड 54 किलोमीटर पर आर रहती है। दोस्तों, बात करें इसके पहले स्टॉपेज की, जहां से यह ट्रेन निकलती है, तो वो है हजरत निजामुद्दीन, जो कि दोपहर में 3 बजे है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज मथुरा जंक्शन है, जो कि 4:43 पर आता है और 2 मिनट रुककर यह ट्रेन चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज आगरा कैंट है, जो कि 5:30 आता है और यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज ग्वालियर जंक्शन है, जहाँ पर ट्रेन 7:35 पर आती है और 5 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन झांसी जंक्शन है, जहाँ पर यह ट्रेन 9:10 पर आती है और 10 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज भोपाल जंक्शन है, जो 1:10 पर आता है और 10 मिनट रुकती है यह ट्रेन। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज इटारसी जंक्शन है, जहां पर यह गाड़ी 2:50 पर आती है और 5 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज खंडवा जंक्शन है, जहां पर यह ट्रेन 5:30 आती है और 5 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज भुसावल जंक्शन है, जहां पर यह गाड़ी 7:25 पर आती है और 7:30 पर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज जलगांव जंक्शन है, जहां पर यह गाड़ी 7:53 पर आती है और 2 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज मनमाड़ जंक्शन है, जहां पर यह गाड़ी 9:45 पर आती है और 9:50 पर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज कोपरगांव है, जहां पर यह गाड़ी 10:58 पर आती है और 2 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज बेलापुर है, जहां पर यह गाड़ी 11:38 पर आती है और 11:40 पर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज अहमदनगर है, जहां पर यह गाड़ी दोपहर के 12:47 पर आती है और 3 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज डॉन जंक्शन है, जहां पर यह गाड़ी 2:45 पर आती है और 15 मिनट रुककर चली जाती है। और दोस्तों, बात करें तो यहां पे इसका लोको रिवर्सल होता है। फिर यह गाड़ी का अगला स्टेशन पुणे जंक्शन है, जहां पर यह गाड़ी 4:20 पर आती है और 15 मिनट रुककर चली जाती है। यहां पे भी इस गाड़ी का लोको रिवर्सल होता है। बात करें इसके अगले स्टेशन की, तो वो है सतारा, जहां पर यह गाड़ी 7:45 आती है और 5 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन करड़ है, जहां पर यह गाड़ी 8:17 पर आती है और 8:20 पर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन सांगली है, जहां पर यह गाड़ी 9:27 पर आती है और 3 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन मिराज जंक्शन है, जहां पर यह गाड़ी 10:20 पर आती है और 10:25 पर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन राया बाग है, जहां पर यह गाड़ी 11:13 पर आती है और 11:15 पर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन घाट प्रभा है, जहां पर यह गाड़ी 11:43 पर आती है और 2 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन बेलागावी है, जिसे बेलगाम भी कहते हैं, यहाँ पर यह गाड़ी 12:45 पर आती है और 5 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन लौंडा जंक्शन है, जहाँ पर यह गाड़ी 2:05 पर आती है और 10 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन कैसल रॉक है, जहाँ पर यह गाड़ी 3:05 पर आती है और 5 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन कैरंजौल है, जहाँ पर यह गाड़ी 3:34 पर आती है और 3:35 पर चली जाती है। इसके बाद अभी इसको हाल में ही टेक्निकल हॉल्ट दिया गया हुआ है, जहां पे इसको दूध सागर स्टेशन है, जहां पर यह गाड़ी 3:55 पर आती है और 1 मिनट रुककर चली जाती है। इसके बाद यह गाड़ी का एक और टेक्निकल हॉल्ट सोनालियम है, जो 4:10 पर आता है और गाड़ी 1 मिनट रुकती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज कुलेम है, जो कि 4:35 पर है और यहाँ यह गाड़ी 5 मिनट रुकती है। उसके बाद इसका अगला स्टॉपेज कुछ चढ़े है, जो 5:03 पर आता है और यहाँ पर यह गाड़ी 2 मिनट रुकती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉपेज बड़गांव जंक्शन है, जहाँ पर यह गाड़ी 5:40 पर आती है और 5 मिनट रुककर चली जाती है। और इसके बाद यह गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन वास्को डी गामा के पहुँचती है 6:30 बजे। दोस्तों, बात करें इसके किराए की, तो
नई दिल्ली से निजामुद्दीन से वास्को डी गामा तक पे इसके स्लीपर का किराया 780 रुपया, थर्ड एसी का 2060 रुपया और सेकंड एसी का 3020 रुपया। इस दौरान इसके जनरल का किराया 441 रुपया रहता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।